अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेरा पाकिस्तान। और मेरे साथ हमारे बहुत ही प्यारे उमर गुल भाई हैं। अब उमर गुल की बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग सी कहानी है, और किस तरह इन्होंने अपना बिज़नेस शुरू किया और कैसे ये लाहौर आए, और इस वक्त लाहौर लिबर्टी मार्केट में इनकी बड़ी ही फेमस और बड़ी ही पॉपुलर चाय की दुकान है। अस्सलाम वालेकुम। उमर भाई, एक बात बताएं, अगर हम आपकी कहानी की बात करें तो आप लाहौर कब आए? 72 में आया। और क्यों आए थे? बस हालात ही ऐसी मजबूरी सी, रोजी की खातिर आए हैं। अच्छा, आपने तालीम हासिल की, स्कूल गए थे? नहीं गए। नहीं, कितने भाई बहन हैं? हम दो बहनें और छः भाई। दो बहनें और छः भाई। तो पैदा कहाँ पे हुए? हम जिला स्वात शंगले में। ठीक है, तो लाहौर फिर आप शिफ्ट हुए काम के लिए? काम अकेले या फैमिली के साथ? नहीं, अकेले। अकेले शुरू हो अकेले आए थे, बाद में जो है ना आस्ता आस्ता आते रहे, सारे आ गए। आस्ता आस्ता आते रहे। तो जब यहाँ पे आए हैं आप, तो आपने किस तरह क्या काम शुरू किया? पहली नौकरी क्या थी? इसी यही होटल का लेन सी, किसी के पास काम करते सी वहाँ, और पर दिहाड़ी मिलती सी हमको, पर महीना देते थे 30 रुपये। 1 रुपया पर डे? जी। 30 रुपये में क्या गुजारा निकलता था? बस यही वही बचत होते थे, खाना वगैरह होटल से खाना होता, खाना वहाँ से करते थे, और 30 रुपये हाथ। तो फिर उन 30 रुपये के क्या करते थे आप? वो घर बेचते थे, घर के 100 खर्चे होते हैं। तो यानी कि फिर कमाते यहाँ थे और वहाँ जाते पैसे वहाँ पे भेजते थे। ठीक है, उसके बाद फिर अपनी दुकान कैसे खुली, वो सफ़र क्या था? 30-30 रुपये जमा करते थे, घर भेज देते थे, फिर क्या हुआ? बस ये ऐसे आस्था तक कहीं 4-5 साल एक जगह काम कर लिया, 4-5 साल दूसरी जगह पे काम कर लिया, फिर आस्था आस्था आते हुए यहाँ पे अपना अल्लाह ताला ने दे दिया जो फुटबॉल पे। अल्लाह ताला खुद तो नहीं मिलता ना, उसके लिए भी तो मेहनत तो की ना। तो मेहनत के बगैर तो कोई चीज़ नहीं, बट उसके लिए भी पैसे बचाए। कैसे बचाए? बस आजकल की महंगाई के जमाने में कहीं पे काम करके तो पैसे नहीं जमा होते ना। बस जितना खर्चा होना से अल्लाह ताला ने मेरे पास जमा सी, मैंने कर लिया। आपने कर लिया और फिर आपने ये चाय की दुकान खोली? जी जी। अच्छा, और अब आपके पास नौकरी करते हैं लोग? मेरे पास 3-4 लड़के हैं। 3-4 लड़के हैं जो जॉब करते हैं, मगर चाय आप खुद खड़े होकर बनाते हैं? जी जी। और पूरा साल काम करते हैं या? नहीं, तकरीबन मैं 9-11 महीने काम करता हूँ, रमजान के महीने छुट्टी करता हूँ। रमजान के महीने? तो रमजान के महीने छुट्टी करके क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? तो कुछ भी नहीं इतना खास, वो इधर लाहौर में ही होते हैं या जाते हैं वापस स्वात? स्वात भी जाते हैं, कुछ 15-20 दिन स्वात होते हैं, फिर बकाया यहाँ आते हैं। फिर आपने जब यहाँ आए, फिर शादी हुई? जी जी। अब शादी मेरी तो, मैं छोटा आया से तकरीबन 15 साल लगा। तो अभी शादी हो गई थी? नहीं नहीं, अभी शादी तो मेरी, अभी तो मेरे खुद बच्चे हैं, 5-6 बच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। 5 है कि 6 हैं? 6 है तकरीबन। हिसाब भूल गए थे ना एक सेकंड के लिए? वो तो भूलता तो नहीं है। कितने बेटे बेटियाँ? 3 बेटे हैं 2 बेटियाँ। तो ये 5 हो गए? एक ज्यादा बोल दिया था ना, एक ज्यादा मुझे लग रहा था। वैसे एक बात बताओ, मेरे अब्बू भी कहा करते थे कि 2 बच्चों के बाद वैसे ही बंदा हिसाब किताब भूल जाता है। नहीं भूलता है, भूलता नहीं है। अच्छा, मगर एक ज्यादा मुझे शायद आ जाए। और लो जी, उमर भाई की प्लानिंग चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताएं भाई कि आप अपने बच्चों के लिए क्या सोचा है? इतनी आपने मेहनत की है? मेहनत किया, अभी तो मैंने बच्चों को, 2 बच्चों को पढ़ाया, माशाल्लाह। बच्ची की पढ़ रही है और एक कुछ 6-7 पढ़ा है, उसने कहा शौक नहीं है, नहीं पढ़ना मेरे को, ना पढ़। तो वो क्या कर रहे हैं? वो भी काम कर रहे हैं कहीं। वो अच्छा, वो भी जॉब कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए भैया कि बच्चों के लिए क्या सोचा है? एक होता है ना ख्वाब होता है अपने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या ख्वाब है? खुद क्या ख्वाब था जब छोटे थे? छोटे होते थे कोई पूछता था उमर कुल क्या बनोगे, तो क्या कहते थे? कुछ नहीं, किसी ने ना पूछा ना हमने ख्वाहिशात रखी है, मगर बच्चों के लिए ज़रूर करेगी। बच्चों के लिए, बच्चों का क्या ख्वाब देखते हो? कोई डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, क्या करे? नहीं अभी तो ऐसे कोई नहीं, अभी वो पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई में ही कुछ सोचा नहीं है कि क्या करना है? नहीं सोचा पढ़ाई में, भी छोटे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने को ग्राहक आ जाते हैं दिन के? अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी आते हैं, काफ़ी। और एक कप चाय कितने का है? 20 रुपये का। 20 रुपये का एक कप चाय? और सारा मतलब आप 7 दिन हफ्ते के काम करते हो या कोई एक दिन छुट्टी भी करते हो? इतवार की छुट्टी होती है। इतवार की आपकी छुट्टी होती है या लड़के काम करते हैं? सारी छुट्टी होती है, मार्केट बंद होती है, पूरी मार्केट बंद होती है। ले तो जो छुट्टी का दिन है उस दिन आप छुट्टी कर लेते हैं, तो अगर किसी ने आके यहाँ चाय पीनी हो तो वो क्या करेगा? वो चाय पीने के लिए आया होगा, बंद है चले जाते हैं।
अच्छा एक बात बताएं, आपकी चाय में इतने चाय वाले लोग हैं, आपकी चाय में क्या खास बात है, सच बताना है? ये तो अल्लाह की तरफ है, खास बात कोई नहीं है इसमें, कुछ तो खास है, लेकिन इतने लोग खड़े हुए हैं, वही दूध है वही चाय, इसमें खास कोई बात नहीं है, लेकिन बनाते तो प्यार से है ना? ये तो ये प्यार वाली चीज ही नहीं है, क्यों नहीं, ये आग पे पकती है। अच्छा ये प्यार वाली चीज नहीं है क्योंकि आग पे पकती है, ऐवे ही शोहर अपनी बीवियों को कहते हैं मेरी जान एक कप चाय तो पिला दो, तो वो तो गुस्से वाली चीज पिलवा रहे होते हैं, इसीलिए मियां बीवी की लड़ाई होती है। मेरे ख्याल से मियां बीवी को अब एक दूसरे को चाय बना के देना नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए। लड़ाई नहीं होगी, आपकी बीवी आपको चाय नहीं देती? नहीं, हम खुद बनाते हैं। हैं? हम खुद पीते हैं सारा दिन यहाँ पे। मिस्टर उमर गुल परफेक्ट हस्बैंड। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इतने लोग आते हैं आपसे गपशप लगाने के लिए, बातचीत भी करने के लिए, या नहीं करते बातचीत? हम सुबह से लेकर शाम तक गपशप ही लगाते हैं। अच्छा तो गपशप में क्या सीखा है, हमारे पाकिस्तान के बारे में क्या बताएंगे आप लोगों को? क्या बताऊंगा, हर रोज इतने लोगों को मिलते हैं, कोई ना कोई बात तो बताएंगे ना, कोई ऐसी बात। अच्छा पाकिस्तान की सबसे अच्छी बात क्या है, एक सबसे अच्छी बात बता दे, एक सबसे बुरी बात बता दे। सबसे अच्छी पाकिस्तान की बात यह है जो हम मुसलमान है, कलिमा बोलते हैं, बहुत अच्छी बात। अच्छा सबसे बुरी बात क्या है? बुरी बात बुरी सारी दुनिया ही देख लो, पूछ लो बुरी है, अच्छा ही क्या देखी आपने? ये आपने अच्छा मुझे जवाब दे दिया। अच्छा घर से भाभी का फोन आया? नहीं नहीं, बता दे किसका फोन है, लोगों को भी पता चले ना। ये ग्राहक का फोन है, चाय मांगा। सोचो ग्राहक फोन करके भी कहते हैं डिलीवरी करो चाय की, डिलीवरी भी करवाते हैं। अच्छा यहाँ पे सारे ऑफिसों दफ्तरों में भी चाय देते हैं? जी जी, सब जगह पे, पूरी जहाँ यहाँ नजदीक इलाका है पूरे में देते हैं चाय, पूरे इलाके में देते हैं। अच्छा चले जाते जाते जो लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको कोई पैगाम ही दे दें प्यारा सा, कोई दिल की बात कह दें, पाकिस्तान जिंदाबाद ही कह दें। पाकिस्तान जिंदाबाद तो सारे कहते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो मैं भी यही कहूँगा जी पाकिस्तान जिंदाबाद। चले जी पाकिस्तान जिंदाबाद, थैंक यू सो मच मिस्टर उमर गुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर भाई ने अभी हमारे साथ गपशप लगाई, इनकी बातें अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे साथ अपने कमेंट शेयर कीजिएगा, और बार बार इनके ग्राहक का या भाभी का फ़ोन आ रहा है, ये अप फॉर डिबेट है, लेकिन आपने अपने कमेंट ज़रूर शेयर करना है, और आपने मेरे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बहुत सी दुआएं करनी है मिस्टर उमर गुल और उनके 5 या 6 बच्चे अनडिसाइडेड हैं, जितने भी हैं उनके लिए आपने दुआ करनी है।